अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कीमा समोसा। तो उसके लिए हमें चाहिएगा आधे एक टीस्पून ज़ीरा पाउडर, एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर एक टीस्पून और नमक टेस्ट के हिसाब से। अच्छा जी, कीमा जो है मैंने 250 ग्राम लिया है और जितने भी मसाले हैं उसे हम कीमे में डाल के पका लेंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट भी मैंने एक टेबल स्पून ले लिया है। हरा मसाला भी मैंने एक टेबल स्पून ले लिया है। हरा मसाले में मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया पीस के डाला है। अच्छा जी, अब हमें इसे कीमे में पानी वानी कुछ भी नहीं डालना है, बस इसे मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है। अपने आप ही उसमें से ही जो पानी कीमे का निकलेगा उसी में ही पकाना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। उसे तब तक पकाना है जब तक ये पूरा एकदम ड्राई हो जाए कीमा, तब तक पकाना है। ठीक है, कीमा पूरा ड्राई हो जाए उसके बाद मैंने इसमें डाला है हरा धनिया, हरी मिर्च, हरी प्याज और मीडियम साइज़ के दो प्याज कटी हुई बारीक। आप अपने हिसाब से ये ज़्यादा कम डाल सकते हो, जितना आपको लगता है उस हिसाब से। अच्छा, ये रेडीमेड मैंने समोसे की पट्टियाँ हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, तो इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें जो हमने मसाला रेडी किया है वो इसके अंदर डालना है। गरम गरम नहीं डालना है, हमें मसाला जो है वो ठंडा हो जाने के बाद डालना है। ठीक है, इसे अच्छे से समोसे को फोल्ड करना है और ये हमारे कीमे के समोसे रेडी हो गए। अच्छा जी, अब ये आप ऊपर से भी काफ़ी मसाले डाल सकते हो, लेकिन अभी रमज़ान का महीना है तो ज़्यादा मसाले मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस हमारे ये चिकन कीमे समोसा रेडी हो गया है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करना और लाइक और शेयर ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपको ये समोसे कैसे लगे।